हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन ने 7 सूत्रीय मांगों के संबंध में क्षेत्रीय प्रबंधन एसपी राणा के माध्यम से प्रधानमंत्री व केंद्रीय वित्त मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेशाध्याय डीसी शर्मा, बैंक पेंशनर कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष एनके नंदा, बैंक कर्मचारी संघ व अधिकारी संघ के सदस्यों ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में बैंकों का निजीकरण बंद करना, एनआईसी को प्राइवेट हाथों में बेचने से रोकना तथा बैंकों का कार्य दिवस 5 दिन करना, कोविड-19 के दौरान बैंक कर्मियों को भी 50 लाख बीमा का लाभ देना, बैंक कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी तथा करुणामूलक आधार पर भर्ती प्रक्रिया लागू करना शामिल है। डीसी शर्मा ने यह भी चेतावनी दी है कि बैंक कर्मचारियों की मांगों पर केंद्र सरकार विचार नहीं करती है तो भारतीय मजदूर संघ के कर्मचारी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। बैंकों के कर्मचारियों को कहीं भी कोई भी संस्था जो है वो कभी भी बंद नहीं की गई, लगातार वो आम जनता को, पब्लिक को, अपने ग्राहकों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे और इस सेवाओं के दौरान वो चाहे कोविड के घोषित क्षेत्र हों चाहे और अन्य कैसे भी क्षेत्र हों, हर क्षेत्र में बैंकों को खुला रखने के स्थानीय प्रशासन के भी और राज्य सरकारों के भी और केंद्र सरकार के भी समय समय पर निर्देश हो रहे, लेकिन कर्मचारियों के जान माल की सुरक्षा के लिए सरकार चाहे राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। बैंक संगठनों की ये मांग है कि ऐसे कोविड-19 के समय में अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 50 लाख का बीमा जो है वो किया जाना चाहिए, केंद्रीय कर्मचारियों का भी 20 लाख से किया जाए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे तो ऐसे लोगों का 50 लाख के बीमे की हम लोग मांग कर रहे, कहीं की मृत्यु हो जाती है उन कर्मचारियों को पूर्व में भी भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार भी इन मृत कर्मचारियों के आश्रितों को वहाँ पर करणमूल के आधार पर नौकरी दी जाती थी, जो बैंकों ने 2006 के बाद उसको बंद कर दिया। अभी वर्ष 2018 से उस सिस्टम को उन्होंने दोबारा बहाल कर दिया है, लेकिन 2006 से लेकर 2018 के बीच में जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो गई ऐसे कर्मचारियों के आश्रितों के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया, उनको इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। कर्मचारी संगठनों की ये मांग है कि ये जो करणमूल के आधार पर नियुक्तियां हैं जिस दिन से सरकार ने ये बंद की थी उस दिन से लेके आज तक उसको यानी कि विगत प्रभाव से इसको दोबारा रेस्टोर किया जाए, इसको लागू किया जाए। केंद्रीय भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर यह आंदोलन का निर्णय लिया गया है। भारतीय मजदूर संघ ने अभी प्रदर्शन किए हैं पूरे देश भर के अंदर और ये आज का भी ये ज्ञापन का कार्यक्रम है, सरकार जगाओ सत्ता के अंतर्गत ये कार्यक्रम चल रहे, ये इस कार्यक्रम के उपरांत भी अगर भारत सरकार नहीं चेती, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने हमारी मांगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया तो संगठन ने अगले आंदोलन का विचार किया हुआ है जिसके अंतर्गत 1 दिन की हड़ताल, 2 दिन की हड़ताल और फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए तमाम संगठन जो हैं वो सड़कों पे उतरेंगे, जिसकी तिथि अभी भारतीय मजदूर संघ तय करेगा। ये भारतीय मजदूर संघ द्वारा भारत सरकार के विरुद्ध सरकार जगाओ सप्ताह इस दृष्टि से आंदोलन का कार्यक्रम देश भर में चलाया जा रहा है। इस एक सप्ताह के कार्यक्रम में आज वित्तीय क्षेत्र के संगठनों द्वारा प्रधानमंत्री को राज्य अनुसार ज्ञापन भेजे जा रहे और उन ज्ञापन में जो वित्तीय क्षेत्र में बैंक आते हैं, LIC, बीमा वगैरह आते हैं, ये उनके द्वारा आज ज्ञापन भेजे जा रहे हैं। वित्तीय क्षेत्र की प्रमुख मांगों में जो बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, LIC, जीवन बीमा कंपनियां, अन्य कंपनियां भी हैं, उनका या तो निजीकरण किया जा रहा है या उसमें डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो सरकार की पूंजी इन संस्थाओं में लगी है उसको निकाल करके निजी हाथों में उसे सौंपा जा रहा है, जिससे इन संस्थाओं का पूर्ण रूप से निजीकरण हो जाएगा।